अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स है। हम लोगों ने SSP 2 की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज में आज में जो हमारे पास वीडियो नंबर 3 है शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने इन डिफेक्ट्स पर बात कर ली थी, तो आने वाली वीडियो इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएँ, ये अभी फिलहाल हमने हाफ सीरीज लिखी हुई है, तो मुकम्मल सीरीज पर बात करेंगे और वो टॉपिक्स लिखेंगे हम। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि शॉर्ट की फ्रेंकल, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ओके। ये एक हमारे पास एटम है, ये दूसरा, ये हमारे पास है, ये है, ये है, एक ये है, एक ये है, ये हम कहते हैं क्रिस्टल है। हम सपोज करते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव है। यानी कि इसका हम मिसाल लेते हैं NaCl है, यहाँ Na है, यहाँ Cl है, NaCl, Cl, Na, ओके। लेकिन मैंने जनरली इस पर पचर चार्ज कर दिया है। अगर इस क्रिस्टल में इस तरह का डिफेक्शन हो कि अगर एक आयन बाहर निकला है और एक ही पॉजिटिव आयन बाहर निकला है, तो इस डिफेक्शन को हम कहेंगे मेरे पास शॉर्ट की डिफेक्शन है, क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्शन हुई है, ओके। यानी कि एक पॉजिटिव चला गया है तो साथ ही दूसरा नेगेटिव आयन भी बाहर निकला है, दोनों साथ निकले हैं, तो इस डिफेक्शन को हम शॉर्ट डिफेक्शन का नाम देते हैं, शॉर्ट की डिफेक्शन का नाम देते हैं। और अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि अगर ये आयन अपनी जगह से इस यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इसको हम कहेंगे मेरे पास क्या, ये फ्रेंकल डिफेक्ट है, ओके। यानी कि शॉर्टकी में जो न्यूरलिटी होती है वो सेम रहती है। अगर एक आयन बाहर जा रहा है नेगेटिव आयन, तो दूसरा पॉजिटिव आयन भी बाहर जा रहा है, लेकिन फ्रेंकल में इस तरह नहीं होता, ओके। शॉर्टकी में क्या होता है, जो इसकी डेंसिटी होती है, शॉर्टकी में जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है, वो लेस होती है। इस मिसाल के ये क्रिस्टल है, इसकी क्रिस्टल की नॉर्मल जो डेंसिटी होती है उसकी नॉर्मल डेंसिटी से कम होती है शॉर्टकी की डेंसिटी, ओके। जबकि फ्रेंकल में क्या होता है कि इसमें जो डेंसिटी होती है वो सेम रहती है। अब देखिए ना, अगर एक आयन यहाँ से यहाँ आ गया या यहाँ से यहाँ आ गया, तो वो क्रिस्टल के अंदर ही है ना, तो डेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन इसमें जो डेंसिटी होती है वो लूज हो जाती है, क्योंकि आयन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए डेंसिटी लो हो रही है, ओके। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, लेकिन फ्रेंकल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। इसी तरह अब इसका थर्ड क्या है, इसके अगर मिसाल लें, सीजियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, NaCl है, शॉर्टकी की एग्जाम्पल है। अगर हम फ्रेंकल की एग्जाम्पल लें, इसमें हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड आ जाता है, सिल्वर हमारे पास क्लोराइड आ जाता है, जिंक सल्फाइड आ जाता है, सिल्वर आयोडाइड आ जाता है हमारे पास, ओके। तो यही आज का हमारे साथ छोटा सा टॉपिक था। अब अगर हम बात करें कि इसमें शॉर्टकी में जो मैस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आयन बाहर निकल रहे हैं, ओके। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मैस होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। फ्रेंकल में मैस कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन शॉर्टकी में मैस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आयन बाहर निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारे पास यही था। अच्छा, एक और डिफरेंस इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो ये शॉर्टकी होता है, ये उन लैटिसेस में होता है जिसमें जो साइज होता है वो सेम होता है। मिसाल के तौर पर के जो मेरे पास शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में होते हैं जहाँ जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, हर आयन का जो साइज है एक दूसरे के लिहाज से सिमिलर है। लेकिन फ्रेंकल उन क्रिस्टल में होता है जहाँ जो साइज होता है एटम्स का, आयन का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ओके, हो गया। तो यही आज का हमारे टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।